प्रहलाद जी ने भी नौधा भक्ति का वर्णन किया, लेकिन प्रहलाद जी ने जो नौधा भक्ति का वर्णन किया भागवत में, उसका क्रम कुछ भिन्न है। और श्री रामचरितमानस में भगवान ने जो नौधा भक्ति बताई सबरी मैया को, उसका क्रम भिन्न है। सबरी मैया को जो नौधा भक्ति का उपदेश किया भगवान ने, तो भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति यमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम्मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपने हुनहि देखिए परदोसा, नवम सरल सबसन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदी, नौमह एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़। तो यहां तक नवधा भक्ति का उपदेश किया। इस नवधा भक्ति में पहली भक्ति ही सत्संग भक्ति। और कितनी अद्भुत बात है कि अन्य आठ भक्तियों में भगवान ने शर्त लगाई है, उन शर्तों को आप पूरा करो तब तो भक्ति हुई, और वो शर्त पूरी नहीं हुई तो भक्ति नहीं हुई। लेकिन पहली भक्ति जो सत्संग है, इसमें कोई शर्त नहीं, सीधे सीधे भगवान कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग था, सत्संग था। दूसरी भक्ति बोले दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा सुनना ये दूसरी भक्ति, लेकिन इसमें भगवान ने शर्त लगा दी। क्या शर्त लगा दी? बोले रति हो, प्रेम। अगर भगवान की कथा में प्रेम नहीं है और कथा सुन रहे हो तो भक्ति पूरी नहीं है। ठीक है, श्रुतम हरति पापानी, भगवान की कथा सुनने से पाप का नाश होगा, भले आप प्रेम से न सुनो लेकिन पाप का नाश तो होगा, क्योंकि शास्त्र कहता है कि श्रुतम हरति पापानि, भगवान के गुणों के श्रवण से जीव के पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भक्ति की सफलता तो तब है जब रति हो, रति माने प्रेम, भगवान की कथा में इतना प्रेम हो कि हम भगवान की कथा के नशेड़ी बन जाएं। आज के शब्दों में जैसे नशेड़ी व्यक्ति होता है, नशा के बिना रह नहीं सकता, जिसको जिसकी आदत लग जाए, उसी तरह भगवान की कथा का नशा हो जाए, व्यसन हो जाए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये सनकादिक कथा के व्यसनी हैं, इनको कथा का व्यसन है। जैसे शराब पीने वाले को शराब का व्यसन, भांग खाने वाले को भांग खाने का व्यसन, उसी प्रकार भगवान की कथा का व्यसन है सनकादिकों, इसके बिना वो रह नहीं सकते। बोले महाराज रोज कथा कहां मिलेगी, कौन सुनाएगा? बोले चार भाई हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों कथा वाचक हैं और चारों श्रोता भी हैं। एक व्यक्ति बैठ जाते व्यासपीठ पर कथा का वर्णन करते और तीन श्रोता, और जब वो थक जाए तो नीचे से उठकर एक व्यक्ति फिर व्यासपीठ पर चले जाए और वो नीचे आ जाए फिर कथा शुरू, जीवन ही कथा में बीत। आसा बसन व्यसन यहति नहीं, आसा बसन व्यसन यहति नहीं, रघुपति चरित होता नहीं।
व्यसन है, ऐसा व्यसन जीवन में हो जाए तो कथा श्रवण रूपी भक्ति सिद्ध हो जाती है। ये शर्त है। दूसर रति मम कथा प्रसंगा। और तीसरी भक्ति में क्या शर्त है? बोले गुरु पद पंकज सेवा तीसर भगति अमान। गुरु के पद कमल की सेवा, ये तीसरी भक्ति। लेकिन शर्त क्या है? बोले अमान। अभिमान को छोड़कर, मान को छोड़कर, सम्मान को छोड़कर सेवा करो। और थोड़ा भी सेवा का अभिमान आ गया, बोले गुरु भक्ति बेकार हो जाएगी। हो गुरु जी की सेवा करो, दक्षिणा दो, भोजन कराओ, वस्त्र दो। और कहीं भी ये अभिमान आ गया कि हमने इतना दिया, हमने इतना किया, अरे तुम्हारी सब भक्ति गुड़ गोबर हो गई, बेकार। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। अमान की शर्त लगी। और चौथी भक्ति, बोले चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। और चौथी भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं मेरे गुणों का गान करो, लेकिन कैसे? बोले कपट छोड़ दो। अगर कपट है तो मेरे गुणों का गान कर रहे हो तो ये भक्ति पूरी नहीं है, कपट की शर्त है। और पांचवी भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो उपदेश किया, उस मंत्र का जप करो, ये पांचवी भक्ति है, मंत्र जाप। लेकिन शर्त क्या है? बोले दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास। और बड़ी विडंबना है, रिक्शे वाले पर विश्वास हो जाता है, डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है, पुलिस थाने पर विश्वास हो जाता है, भगवान पर विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो श्री नारद जी कहते हैं कि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके जीवन में पुण्य की कमी होती है उसको भगवान पर, मंत्र पर, तीर्थ पर विश्वास नहीं होता। और विश्वास न होने के कारण फल की प्राप्ति नहीं। तो पांचवी भक्ति मंत्र का जप है, लेकिन दृढ़ विश्वास की शर्त है। छठदम शील बिरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठवीं भक्ति क्या है? बोले दम। छठदम शील, ये दम क्या है? बोले इंद्रियों का दमन। हमारी जो बाहरी इंद्रियां हैं, जिसको बाह्य करण कहते हैं, बाह्य करण का विषयों में जाने से रोकना, बाह्य करण को, बाह्य इंद्रियों को हम विषयों में जाने से रोक लें, इसी का नाम दम है। और भीतर की इंद्री जो मन है उसको विषयों में जाने से हम रोक लें, इसका नाम शम है, शम और दम। और जिसके अंदर दम हो उसको कहते हैं दांत, और जिसके अंदर शम हो उसको कहते हैं शांत। शांत होने का यही मतलब है, चुपचाप बैठे रहो ये शांत नहीं। लोग कहते हैं महाराज बड़ी शांति से बैठे, ये शांत नहीं, भीतर भी हलचल न हो ये शांति है। अब भीतर हलचल मची है, ऊपर से चुपचाप बैठे ये शांत नहीं। शांत का मतलब जिसका मन शांत है। तो इंद्रियों का दमन करना छठ दम शील, और शील हो, सहनशीलता हो, दैन्य भाव हो। और विरत बहुकर्मा, शर्त क्या है? बहुत सारे कर्मों से विरत हो जाते, तब छठवीं भक्ति सिद्ध हो। सातवीं, बोले सातम सातों सम्मोहिमय जग देखा। सातवीं भक्ति क्या है? भगवान कहते हैं सारे संसार में मेरा दर्शन करो, ये सारा संसार ही मेरा रूप है, इस रूप में देखो। लेकिन शर्त क्या है? बोले मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक मेरे भक्तों को, संतों को मानो। बोले ये शर्त बड़ी कठिन। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा तो हो जाती, संतों की सेवा बड़ी कठिन। क्यों? बोले भगवान को तो आप रात के 12 बजे जाकर के जगा दो, मंदिर खोल दो, भोग लगाओ, कुछ नहीं बोलेंगे। सवेरे 4 बजे उठ करके ठंडे ठंडे पानी से भगवान को नहला दो, भगवान कुछ नहीं बोलेंगे, पूजा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन संत तो नहीं कर सकते महाराज,
थके मादे हो, सो रहे हो, तुम जाओ जगा दो। बोले महाराज चलो हम आपकी सेवा करेंगे। बोले भाग जाओ, तुम कौन सी सेवा करोगे? भगवान की सेवा तो सरल है, संतों की सेवा बड़ी कठिन है। और भगवान कहते मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे अधिक संतों से प्यार करो, प्रेम करो। बड़ी कठिन भक्ति, बड़ा कठिन शर्त है हमारा। आठों जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति क्या है? जथा लाभ संतोष, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन शर्त क्या है? सपने हो नहीं देखी पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष मत देखते। लेकिन दोष दिखता है, अपना दोष नहीं दिखता, दूसरे का दोष दिखता है। खलह सरषप मात्राणी पर छिद्राणी पश्यति, आत्मनो बिल्ल मात्राणी पश्यन्नपि न पश्यति। शास्त्रकार कहते हैं कि खल प्राणी दूसरे के अंदर सरसों के बराबर कमी हो, छेद हो तो दिखेगा उसको, अपने अंदर बेल के बराबर हो फिर भी वो नहीं दिखता। आत्मनो बिल्ल मात्राणी पश्यन्नपि न पश्यति, बड़ा कठिन है। नौवीं भक्ति बोले नवम सरल सबसन छलहीना, नौवीं भक्ति है सरल बन जाओ, बड़ा कठिन है। विद्वान बनना सरल है, धनवान बनना सरल है, बड़ी बड़ी पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना सरल है, लेकिन सरल बनना कठिन है। सरल बनना ही बड़ा कठिन है, बाकी सब सरल है, सरल बनना ही कठिन है। और भगवान कहते हैं ये नौवीं भक्ति है, नवम सरल सबसन छलहीना, सबसे छलहीन हो जाओ। और शर्त क्या है? बोले मम भरोस, भरोसा केवल मेरा हो, भरोसा केवल भगवान का। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नकचंद छटा बिनु सब जग माझ अंधेरो। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, लेकिन इतना भरोसा कहां होता? और जब तक भरोसा न हो तब तक ठाकुर भी कुछ नहीं करते। मारे पूरा भरोसा भगवान चाहते हैं, भरोसा मेरे ऊपर करो। थोड़ा भी भरोसा किया किसी और का तो भगवान कहते फिर उन्हीं के भरोसे रहो। सुग्रीव से भगवान ने कहा कि सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, मेरे भरोसे तुम सोच त्याग दो, निश्चिंत हो जाओ, मेरा भरोसा कर लो। सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तुम, मैं तुम्हारे सर्वविध अनुकूल हो जाऊंगा। तुम्हारे कार्य के लिए अगर मुझे घटना पड़े तो मैं घट जाऊंगा, अगर मेरी बदनामी भी हो तुम्हारे काम के लिए तो मैं वो भी सह लूंगा, लेकिन तुम मेरे ऊपर भरोसा कर लो। सखा सोच त्याग हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। लेकिन सुग्रीव को पूरा भरोसा नहीं हुआ। और सुग्रीव जब बाली से युद्ध करने गया, भगवान पेड़ के पीछे खड़े होकर के देख रहे थे, बाली सुग्रीव को पीट रहा था। सुग्रीव ने सोचा अब राम जी बाण चलाएंगे, अब बाण चलाएंगे, लेकिन भगवान देखते रहे, बाली सुग्रीव को पीटता रहा। अंत में सुग्रीव को पटक कर बाली छाती पर चढ़ गया और अपनी गदा उठाई सिर पर मारने के लिए। सुग्रीव ने देखा ये गदा आई नीचे और हम गए ऊपर, काम खत्म, अब मैं क्या करूं? तब सुग्रीव ने सोचा अब एक ही रास्ता है, भागे यहां से। तुरंत बाली के हाथ में जोर से दांत से काट लिया सुग्रीव ने, क्योंकि बानर है, बानर का मतलब मरकट, मारती थी काटती थी मरकट, जो मारे और काटे उसी को तो कहते हैं मरकट, काट लिया। बाली ने हाथ छोड़ा और सुग्रीव भागे वहां से। भागने में सुग्रीव जैसा कोई दुनिया में नहीं, महाराज कोई संकट आवे भाग लो, भाग लिया। आए राम जी के पास, बोले महाराज आपने हमको भेजा और आपने बाली को मारा नहीं, हम तो पिटते रहे पिटते रहे, आप कहां थे? भगवान ने कहा हम देखते रहे। सुग्रीव ने कहा आप देखते रहे और हम पिटते रहे? बोले हाँ हम देख रहे थे। बोले आपने मारा क्यों नहीं बाली को? अब भगवान क्या कहते? भगवान ने बहाना किया कि मैं कैसे मारता, तुम्हारी आकृति प्रकृति और बाली की आकृति प्रकृति एक जैसी थी, मुझे भ्रम हो रहा था,
कि मैं बाण चलाऊं कहीं बाली के जगह सुग्रीव को ही न लग जाए, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। अब विचार करो, भगवान को भ्रम होगा, जब भगवान को ही भ्रम होगा तो फिर कौन बचेगा दुनिया। लेकिन क्या भ्रम था, भगवान कहते हैं तुम्हारे में और बाली में कोई अंतर हमको नहीं दिखा, दोनों एक जैसे दिख रहे। लेकिन सुग्रीव भगवान के इस रहस्यमय वार्ता को समझ नहीं पाए। भगवान कहना चाहते थे सुग्रीव बाली में और तुम्हारे में कोई अंतर हमको नहीं दिखा। क्या अंतर देखना चाहते थे भगवान? भगवान ये अंतर देखना चाहते थे कि बाली को अपने बल का भरोसा है और सुग्रीव को मेरा भरोसा होना चाहिए। यह अंतर भगवान देखना चाहते थे, ये अंतर सुग्रीव में नहीं दिखा और दोनों एक ही जैसे लगे। बाली को भी अपना भरोसा और सुग्रीव को भी अपना भरोसा। भगवान ने कहा तुम मरो। पिटता रहा सुग्रीव और भगवान देखते, तो भगवान की भक्ति में भरोसा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदीना। पूर्ण भरोसा भगवान पर, लेकिन बड़ा कठिन है ये भगवान पर भरोसा कैसे हो। बोले बार बार जब हम भगवान के चरित्र को सुनेंगे, कथा को श्रवण करेंगे, संतों का संग करेंगे, जीवन में पुण्य का संचय होगा, तब धीरे धीरे एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि भगवान पर पूर्ण विश्वास हो। और जिस दिन भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाए, फिर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, सब भगवान ही करते। कारणम कारणम कर्ता विकर्ता गहनो गुहा, भगवान सब कुछ करते। तो इस नवधा भक्ति में भी पहली भक्ति जो सत्संग है, इसमें कोई शर्त नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संग, संतों का संग, और संतों का संग किया तो सब बन जाएगा। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ ये तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ओ ये तेरो पर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई, 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिक जाए उर के दागरे,
सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीता राम। भगवान श्री हरि की जब मंगलमयी कृपा होती है तभी ऐसा सुंदर पवित्र सत्संग संत समागम प्राप्त होता है। आज लक्ष्मण बाग के इस पवित्र प्रतिष्ठान में इतने संत महात्माओं का दिव्य दर्शन, सब विभूतियां यहां बैठी हैं, एक से एक महात्मा भजनानंदी विराजमान। इन संतों का दर्शन ही परम पवित्र और मंगलकारक। संत दर्श जिमि पातक टरई, संतों के दर्शन से पातक टल जाता है, जीव पवित्र हो जाता है और भगवान के चरणों का अनुराग उत्पन्न होता है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री विश्वामित्र जी महाराज अयोध्या पधारे और श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी का दिव्य भव्य स्वागत किया। अब मत छेड़ो, छोड़ो। दिव्य भव्य स्वागत किया, साष्टांग प्रणाम किया, पूजन किया, आदर पूर्वक लेकर के आए। फिर तो श्री विश्वामित्र जी महाराज से पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, आपके आगमन का कारण क्या है। तो विश्वामित्र जी ने अपने मन की बात कहने के पहले दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। वाल्मीकि जी कहते हैं, कृहष्टरो मा महातेजा विश्वामित्रो भ्यभाषत। हृष्टरो मा महातेजा,
श्री विश्वामित्र जी महाराज के रोम रोम हर्षित हो गए। विश्वामित्र जी ही हर्षित नहीं हुए, उनके रोम रोम हर्षित हो गए। विश्वामित्रो महातेजा हृष्ट रोमा, परम प्रसन्न होकर श्री विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, तुम्हारे जैसा राजा इस पृथ्वी पर कोई नहीं, तुम अद्भुत अद्वितीय। किस कारण से? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, पहला कारण तो यह है कि महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ जिस कुल में इक्ष्वाकु भगीरथ रघु दिलीप जैसे महान राजा हुआ। महावंश प्रसूतस्य, ये पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता, बोले वसिष्ठ व्यपदेशिनः, वसिष्ठ जैसे गुरु आपको मिले, ये दूसरी विशेषता। वशिष्ठ जैसे गुरु की प्राप्ति भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। वशिष्ठ जैसे गुरु को पाने के लिए श्री दशरथ जी जैसी योग्यता भी होनी चाहिए। लोग कहते हैं, महाराज गुरु जी के अंदर तो वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसी योग्यता होनी चाहिए। बात ठीक है, गुरु के अंदर विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसी योग्यता होनी चाहिए, लेकिन विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे गुरु प्राप्त करने के लिए दशरथ और श्री राम जैसी शिष्य की योग्यता भी तो होनी चाहिए। उस योग्यता का हम संपादन अपने जीवन में करें तो वशिष्ठ और विश्वामित्र जैसे गुरु मिलेंगे। बंधुओं, दशरथ जी महाराज की बड़ी प्रशंसा की विश्वामित्र, इसलिए प्रशंसा की कि ये प्रशंसनीय है और जो प्रशंसनीय हो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और दूसरा कारण, विश्वामित्र जी अपने काम से आए और किसी से कुछ लेना हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ये व्यवहारिक पक्ष है, किसी से कोई काम कराना है तो आप उसकी प्रशंसा करो, उसकी बड़ाई बताओ तो कुछ तो करेगा। एक बड़ी सुंदर कथा है, एक पंडित जी थे, बड़े बुद्धिमान थे महाराज। उनकी पत्नी ने कहा, राजा भोज के यहां चले जाओ। राजा भोज ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते हैं, कुछ धन देंगे, हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो पंडित जी चल पड़े। पंडित जी जानते थे कि राजा भोज बड़ा काव्य प्रेमी है, कुछ रचना उसको सुनाएंगे वो प्रसन्न हो जाएगा। पंडित जी बड़े बुद्धिमान थे। राजा के यहां पहुंचे, वो राजा भगवान शंकर का भक्त था। जैसे ही दरबार में पहुंचे तैसे ही उन्होंने कहा, महाराज जय शंकर की। राजा ने कहा, महाराज जय शंकर की, पधारो। कैसे आना हुआ, कहां से पधारे आप? तो पंडित जी ने कहा, हम सीधे कैलाश से आ रहे हैं। कैलाश से आ रहे? कैलाश में तो मेरे आराध्य भगवान शंकर रहते हैं। बोले हाँ, उन्हीं के पड़ोस में मैं रहता हूं। राजा तो बड़ा चक्कर में पड़ा। बोले भगवान शंकर के पड़ोस में? बोले हाँ, उन्हीं के पड़ोस में। बोले तो मेरे आराध्य भगवान शंकर का क्या समाचार है? पंडित जी ने कहा, समाचार ठीक नहीं है। बोले क्या हुआ? बोले भगवान शंकर अब नहीं रहे, उनका शरीर छूट गया। राजा ने कहा, अरे वो तो महादेव है, उनका शरीर छूट गया? पंडित जी ने कहा, हाँ उनका शरीर छूट गया। बोले भगवान महादेव देवता हैं, देवाधिदेव हैं, वो कैसे मर सकते हैं? पंडित जी ने कहा, कोई भी नहीं मरता है, मरता शरीर है, आत्मा तो अजर अमर। हम आप भी तो नहीं मरते, केवल शरीर ही तो छूटता है। राजा ने कहा, बोले महाराज शंकर का शरीर छूट गया। राजा ने कहा, कैसे? तो राजा के दरबार में एक अर्धनारीश्वर का चित्र लगा हुआ था भगवान शंकर का। पंडित जी ने दिखाया और कहा, देखो ये अर्धनारीश्वर भगवान शिव का स्वरूप है। बोले हाँ। ने अपनी पत्नी पार्वती से इतना प्रेम किया भगवान शंकर ने कि अपना आधा शरीर पार्वती को दे दिया, आधा शरीर तो ऐसे ही छूट गया। फिर दूसरी तरफ देखा तो भगवान
हरिहर का चित्र लगा था। हरिहर के रूप में आधा स्वरूप भगवान विष्णु का होता है, आधा शंकर का होता है। पंडित जी ने कहा ये रूप देखो, भगवान विष्णु से इतना प्रेम किया भगवान शंकर ने कि आधा शरीर भगवान विष्णु को दे दिया, तो आधा तो पार्वती को दे दिया, आधा विष्णु को दे दिया, शरीर छूट गया। राजा ने कहा ये पंडित तो बड़ा चतुर है, ये पंडित बड़ा बुद्धिमान है। बोले अच्छा ये बताओ उनके परिवार के लोग कहां गए? तो पंडित जी ने कहा परिवार में बचा कौन? कार्तिकेय बचे। तो कार्तिकेय देव सेनापति बनकर के स्वर्ग चले गए, वो देवताओं के सेनापति। गणेश जी, बोले गणेश जी सर्वत्र घूम घूम करके पूजा रहे हैं, उनकी अग्र पूजा होती। नंदी, बोले नंदी कहीं चरने चला गया होगा। बोले तो उनके यहां कोई नहीं बचा। उस ब्राह्मण ने कहा महाराज मैं जब शंकर जी की कुटिया में गया कैलाश में, तो मैंने देखा वहां दो चीजें बची थी। बोले क्या? बोले एक भगवान शंकर की उदारता बची थी, वो उदारता मणि के समान चमक रही थी, और दूसरा बोले भगवान शंकर की वो भिक्षा की झोली खप्पर। तो उस उदारता को मैं पकड़ने चला तो उदारता वहां से उड़ गई, उस उदारता के पीछे मैं दौड़ा, वो भिक्षा की झोली मैंने ले ली और उदारता के पीछे दौड़ पड़ा। वो उदारता दौड़ती रही, मैं पीछा करता रहा और उसी के पीछे पीछे चल करके मैं यहां तक आया, और भगवान शंकर की वो उदारता आपके अंदर प्रविष्ट हो गई और भिक्षा की झोली मेरे हाथ में। राजा ने कहा रे ब्राह्मण को, राजा ने कहा इस ब्राह्मण को गाय का दान किया जाए, भैंस का दान किया जाए, गाय भैंस घोड़े हाथी। मंत्री बड़ा विचित्र था, मंत्री ने क्या किया? बोले एक बूढ़ी भैंस ला करके खड़ा कर दिया दान। पंडित जी ने देखा, पंडित जी ने सोचा ये बूढ़ी भैंस लेकर के जाएंगे ना दूध देगी ना कुछ करेगी, भूसा अलग से खिलाना पड़ेगा। तो पंडित जी ने जाकर के उस भैंस के कान में कुछ कहा और फिर भैंस के मुख के पास जाकर के अपना कान लगाया। राजा देखता रहा। राजा ने कहा महाराज आप पशु की भी भाषा समझते? पंडित जी ने कहा कौन ऐसा जीव है जिसकी भाषा हम नहीं समझते? बोले तो आपने इस भैंस से क्या कहा और इस भैंस ने आपको क्या कहा? तो पंडित जी ने कहा कि मैंने इस भैंस के कान में जाकर के पूछा अरे महारानी तुम्हारे साथ कोई बछड़ा तो दिखता नहीं, बच्चा तो दिखता नहीं, तुम दूध कैसे दोगी, क्या तुम गर्भवती हो? तो भैंस ने मुझे डांट दिया। राजा ने कहा भैंस ने डांट दिया? पंडित जी ने कहा हां महाराज वो भैंस ने मुझे बहुत जोर से डांटा। क्या कहा? बोले भैंस ने कहा कि भरता मे महिषासुर कृतयुगे देव्या भवान्या हतः, मेरा पति महिषासुर सतयुग में ही मारा गया, भगवती ने उसका वध कर दिया। भर्ता मे महिषासुर कृतयुगे देव्या भवान्या हतः, तस्मात तद्दिन तो भवामि विधवा, उस दिन से तो मैं विधवा हूं और तुम हमसे पूछ रहे हो तुम गर्भवती हो, तुमको शर्म नहीं आती ब्राह्मण कैसे पंडित हो? उस भैंस ने मुझे डांट दिया। भर्ता मे महिषासुर कृतयुगे देव्या भवान्या हतः, तस्मात तद्दिन तो भवामि विधवा वैधव्य धर्माश्रिता, गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भग्नम विषाण द्वयम, मेरी दोनों सींघे भी टूट गई। वृद्धायाम मई गर्भ संभव विधिम प्रच्छन्न किम लज्जसे, अय ब्राह्मण मुझ वृद्धा से तुम गर्भवती हो ये पूछते हुए तुम्हें लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती? उस भैंस ने मुझे डांट दिया। ऐसी काव्य रचना जब सुनाई राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा महाराज इनको अच्छी अच्छी भैंस ला करके दो, गाय दो, घोड़े दो, फिर तो खूब दान दक्षिणा मिला। तो कहते हैं कि किसी से कुछ लेना हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, कुछ अच्छी बात कहनी चाहिए जिससे उसे प्रसन्नता हो, तभी तो वो कुछ देगा। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की और विश्वामित्र जी ने कहा राजन मैं आपके यहां कुछ याचना करने आया हूं। बंद कर दो उसको, सब बंद करो, बंद कर दो। विश्वामित्र जी ने कहा मैं आपके यहां कुछ याचना करने आया हूं, मैं यज्ञ करना चाहता हूं विश्व के कल्याण के लिए, असुर मेरे यज्ञ में विघ्न करते हैं और मैं आपसे याचना करने आया हूं, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को कुमार लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो, उनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी,
और आपका यश होगा, आपकी कीर्ति का विस्तार होगा, और आप निश्चिंत होकर के राम को मुझे दे दो। आपके ये पुत्र राम सर्वसमर्थ हैं, ये कौन है इनको सब नहीं जानते। विश्वामित्र जी ने कहा, भले ये आपके पुत्र हैं लेकिन ये कौन है इनको आप भी नहीं जानते। विश्वामित्र जी ने कहा कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं। अहम वेद्मि महात्मानं, मैं जानता हूं ये राम कौन है। सत्य पराक्रमं, ये सत्य पराक्रम, इनका पराक्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। दशरथ जी महाराज को अच्छा नहीं लगा, ये कह रहे हैं कि आप नहीं जानते हो। दशरथ जी ने कहा, जन्म हमने दिया, पाल पोस करके बड़ा हमने किया, मेरी गोद में ये खेले और ये मेरे बेटा हैं, और मैं इनको नहीं जानता हूं और ये जानते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, हां राजन, भले ये आपके बेटा हैं, आपने इनको पाला है, लेकिन ये कौन है इनको आप भी नहीं जानते। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं, इनको तो मैं जानता हूं, और केवल मैं ही नहीं जानता हूं, आप पूछ लो, अपने गुरु जी से पूछ लो। वशिष्ठोपि महातेजा, ये वशिष्ठ जी जो आपके गुरुदेव हैं वो भी जानते हैं कि ये कौन है। वशिष्ठोपि महातेजा, और इनको कौन से लोग जानते हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, ये चेमे तपस्वी स्थिताः, आपकी सभा में ये तपस्वी लोग जो बैठे हैं महात्मा लोग, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले जटा वाले, ये लोग जानते हैं इनको कि ये कौन। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमं वशिष्ठोपि महातेजा ये चेमे तपस्वी स्थिताः, इनको जानना सबके बस की बात नहीं है। इनको वही जान सकता है जिनके ऊपर इनकी कृपा हुआ। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। भगवान की कृपा से ही भगवान को जाना जा सकता है। विश्वामित्र जी कहते, मैं इनको जानता हूं, आप इनके पराक्रम को नहीं जानते हो, आप तो इन्हें निरा बालक ही समझते। आप अपने पुत्र राम को अनुज लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी, इनका मंगल होगा, इनकी कीर्ति का विस्तार होगा। और विश्वामित्र जी ने जब राम जी को मांगा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो वर्णन करते हैं कि राम जी को पहले नहीं मांगा, पहले लक्ष्मण जी को मांगा, लक्ष्मण जी को पहले मांगा। लक्ष्मण जी की बड़ी महिमा है महाराज, हम लोग लक्ष्मण बाग में ही बैठे हैं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी कहीं जा नहीं सकते। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्टमन्नमुपानीतम अश्नाति नहितम बिना। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती। मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना, सुंदर सुस्वादु व्यंजन 56 भोग राम जी के सामने रख दो, अगर लक्ष्मण जी साथ में नहीं है तो राम जी को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए पूरी रामायण पढ़ लेना, राम जी लक्ष्मण जी के बिना कभी नहीं रहे। सीता जी के बिना रहे, सीता जी रावण के यहां चली गई, राम जी रहे। सीता जी पृथ्वी में प्रवेश कर गई, 11,000 वर्ष तक राम जी धरामंडल पर रहे, अकेले रहे। भरत जी ननिहाल चले गए 14 वर्ष तक, 12 वर्ष तक राम जी अयोध्या में रहे। पिता के बिना भी रहे, मां के बिना भी रहे, लेकिन पूरी लीला में लक्ष्मण के बिना कभी नहीं। एक क्षण के लिए भी लक्ष्मण अगर भगवान से अलग हो जाएं तो भगवान की लीला ही नहीं हो सकती। नचतेन बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। इसीलिए राम जी की उपासना में
बिना लक्ष्मण जी के राम जी की उपासना नहीं होती। कहीं राम जी का मंदिर भी बनाओ तो लक्ष्मण जी की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी। भरत जी की प्रतिष्ठा न हो काम चलेगा, शत्रुघ्न जी न हो काम चलेगा, हनुमान जी भी न हो काम चलेगा, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना राम जी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। यहां तक कि सीता जी भी साथ में न रहे चलेगा। इसी भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में सबरी नारायण एक तीर्थ है, जिस गांव की सबरी थी। सबरी नारायण आप जाओ, वहां भगवान श्री राम का बड़ा विशाल भव्य मंदिर है, हजारों वर्ष पुराना। और उस मंदिर में केवल दो भाई हैं, राम लक्ष्मण, सीता जी भी नहीं। बिना सीता जी के भी मंदिर है इस पृथ्वी पर, बिना हनुमान जी के भी राम जी का मंदिर है, लेकिन बिना लक्ष्मण के राम जी का कहीं मंदिर हो ऐसा? लक्ष्मण जी के बिना तो भगवान रह नहीं सकते। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम, मृष्टमन्नम उपानीतम अस्नाति नहितम बिना। लक्ष्मण जी के बिना भगवान को कुछ अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती। बोले नींद क्यों नहीं आती? बोले लक्ष्मण जी कौन है? बोले राम जी के बिस्तर है, शेषावतार है। भगवान नारायण शेष की सैया पर शयन करते हैं। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, शेष की सैया पर भगवान शयन करते हैं। और स्वभाव होता है सुंदर बिस्तर पर सोने की आपको आदत पड़ जाए तो साधारण बिस्तर पर नींद नहीं आती, बिस्तर बदल जाए नींद नहीं आएगी। और शेष जी महाराज भगवान के बिस्तर हैं, इसलिए लक्ष्मण के बिना भगवान को नींद नहीं आती। भगवान को सोना भी है तो लक्ष्मण पास में। बोले क्यों? बोले जो विशेषता शेष जी में है वो दुनिया में कहीं नहीं। बिस्तर की कितनी विशेषताएं होती हैं? कहते हैं बिस्तर की पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि बिस्तर स्वच्छ हो, धवल हो, निर्मल हो। दूसरी विशेषता, जहां हम शयन करें वो स्थान सुरक्षित हो, किसी भी प्रकार का भय न हो। और तीसरी विशेषता, बोले जिस बिस्तर पर हम शयन करें वो बिस्तर गुदगुदा हो, सुखद हो, आनंददायक हो। और जहां हम शयन करें वहां अत्यधिक प्रकाश न हो और अत्यधिक अंधकार न हो। ये चार विशेषताएं हो तब शयन होता है, तब नींद बढ़िया आती है। और राम जी के बिस्तर कौन है, भगवान के बिस्तर कौन है? बोले शेषनाग। और शेषनाग जी रहते कहां? बोले क्षीर सागर में। क्षीर सागर दूध का समुद्र, इतना निर्मल, निर्मलता। और बिस्तर की स्वच्छता, बोले शेषनाग का रंग कैसा है? आप सोचते होंगे शेषनाग जैसे सब नाग होते हैं काले काले, ऐसे ही शेष जी होंगे काले काले। शेषनाग काले नहीं, दूध के समान धवल वर्ण है शेषनाग का, सुंदर ऐसा बिस्तर। और प्रकाश, बोले अत्यधिक प्रकाश नहीं, अंधकार नहीं। शेष जी महाराज के आंखों में जो प्रकाश है उस प्रकाश से मध्यम मध्यम प्रकाश जो छिटकता है उस मध्यम प्रकाश में भगवान शयन करते। और सुरक्षा कितनी बड़ी है, कोई व्यक्ति को नींद तब आएगी जब वो निश्चिंत रहेगा। अगर कहीं से कोई आशंका बनी है तो नींद नहीं आएगी। और भगवान जब शेष के बिस्तर पर शयन करते हैं तो सुरक्षा कितनी बड़ी है। बोले आज सुरक्षा के लिए हम लोग क्या करते हैं? बोले आज तो बड़ी सुंदर व्यवस्था है, अगर आदमी नहीं है आपके पास तो क्या करो? बोले सब जगह कैमरे लगा दो, सीसी कैमरा लगा दो, दीवालों पर लिख दो सावधान आप कैमरे की नजर में, सब चीज सुरक्षित रहेगी। भगवान जब शयन करते हैं तो शेषनाग अपने 1000 फणों से, 1000 फण में, एक एक फण में दो दो आंखें, 2000 सीसी कैमरा चलता रहता है और शेष जी देखते रहते हैं कहीं से कोई विघ्न ना आने पावे, मेरे प्रभु शयन कर रहे। शेष जी का कैमरा चलता रहता हमारा, एक फण नहीं 1000 फण, और उसमें दो दो आंखें, 2000 सीसी कैमरा चल रहा है, भगवान शयन कर रहे, चारों तरफ निगाह है शेष जी, ऐसी सुरक्षा। और सुखद बिस्तर कितना? बोले आप कितना भी गुदगुदा बिस्तर ले आओ,
मुलायम बिस्तर ले आओ, एक बार सो, एक बार बैठो, घस से बैठ जाओगे, एक बार तो मजा आएगा, फिर पड़े रहो उसमें। लेकिन शेष की सैया पर जब भगवान शयन करते हैं तो शेष जी जब सांस लेते हैं उनका पेट फूलता और पचकता है, तो ठाकुर जी को झूला झूलाते रहते हैं। ऐसा सुकर था, ऐसा बिस्तर कहां मिलेगा महाराज। इसीलिए भगवान शेष की सैया पर शयन करते हैं, भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश। और ऐसे बिस्तर पर जिसको सोने की आदत पड़ जाए उसको साधारण बिस्तर पर नींद आएगी। इसलिए शेष जी महाराज के बिना, लक्ष्मण जी के बिना भगवान को नींद नहीं आती। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तम मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। इस रहस्य को विश्वामित्र जी खूब जानते, इसलिए विश्वामित्र जी ने सोचा कि लक्ष्मण जी अगर मिल जाएं तो राम जी का मिलना तय है। क्यों बोले? लक्ष्मण जी मिल जाएंगे तो राम जी मिल जाएंगे। क्यों बोले? लक्ष्मण जी जहां जाएंगे राम जी वहीं जाएंगे, क्योंकि लक्ष्मण के बिना राम रह नहीं सकते। इसलिए लक्ष्मण को पालें, लक्ष्मण जी मिल जाएंगे तो राम जी का मिलना तय है। अब इसका आध्यात्मिक भाव क्या है? आध्यात्मिक भाव यह है कि लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं। अगर गुरु मिल जाए जीवन में, आचार्य की प्राप्ति हो जाए, तो भगवान की प्राप्ति तय है, भगवान का मिलना तय है। अगर जीवन में आचार्य की प्राप्ति नहीं हुई, गुरु की प्राप्ति नहीं हुई, तो भगवान की भी प्राप्ति नहीं होगी। और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, वही लक्ष्मण जी रामानुजाचार्य हैं। इस कलयुग में रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए श्री लक्ष्मण जी महाराज। तो विश्वामित्र जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी का मिलना तय है। इसलिए विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहू रघुनाथा, अनुज समेत देहू रघुनाथा, निज चरबद में हो बसनाथा, निज चरबद में हो बसनाथा, निज चरबद समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु। विश्वामित्र जी ने कहा अनुज समेत देहु रघुनाथ, लक्ष्मण के सहित रघुनाथ जी को दीजिए। क्यों बोले? लक्ष्मण जी मिल जाएंगे तो रघुनाथ जी का मिलना है। ये कह करके विश्वामित्र जी चुप हो गए। लेकिन विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर दशरथ जी महाराज इतने व्याकुल हुए, ये मेरे राम को लेने आए, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। विश्वामित्र के इन वचनों को सुनकर दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मुहूर्तम इव निसंज्ञ संज्ञावान इदमब्रवीत तच्छुत्वा राजसार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्। विश्वामित्रस्य भाषितम्, विश्वामित्र जी की वाणी को सुनकर मुहूर्तमिव निस्संग, दशरथ जी महाराज निस्संग हो गए, संज्ञा शून्य हो गए, बेहोश हो गए, और एक मुहूर्त तक बेहोश पड़े रहे। लोगों ने पानी का छिड़काव किया, लोग घबरा गए, ये क्या हुआ। कुछ देर बाद जब दशरथ जी महाराज को चेतना आई, उठ करके खड़े हुए और हाथ जोड़ करके कहा, हे मुनिवर, मैं अपने राम को नहीं हूं, मेरे राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचन, मेरे राम तो अभी ऊन 16 वर्ष के, ऊन माने कम,